MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, इसके बारे में स्टॉक मार्केट में आपने काफी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग इसके बारे में सही से जानते हैं। MTF एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आपका स्टॉक ब्रोकर आपको पैसे उधार देता है, जिससे आप कम पैसों में ज्यादा स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, लेकिन आपके पास पैसे कम है, उसमें आपको ज्यादा पैसे लगाने हैं, तो आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके 4 से 5 गुना तक शेयर्स बाई कर सकते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है, इसका यूज कैसे किया जाता है, इसका यूज करके स्टॉक्स को कैसे बाई किया जाता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एक तरह का लोन है जो आपको आपके ब्रोकर की तरफ से मिलता है, और इससे आपकी बाइंग पावर बढ़ती है, यानी कम पैसों में आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 25,000 रुपए हैं, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके इससे आप 1,25,000 रुपए तक के शेयर्स बाई कर सकते हैं। इसमें 25,000 रुपए आपके होते हैं और 1,00,000 रुपए आपको आपके ब्रोकर की तरफ से लोन मिलता है। अब क्योंकि ब्रोकर आपको उधार पैसे दे रहा है, तो इस पर वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। इन पैसों का यूज करके आप ज्यादा शेयर्स खरीद कर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इन पैसों से आप ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं और आपको ज्यादा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज आपको तभी करना चाहिए जब आपको श्योरिटी हो कि जो ट्रेड आप ले रहे हैं उसमें रिस्क के चांसेस काफी कम है। स्टॉक मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है। इन सभी कंपनीज के शेयर्स को बाय करने के लिए आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, बल्कि कुछ स्टॉक्स में आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ज्यादा मिलती है, कुछ में कम मिलती है और कुछ में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। जैसे कि निफ्टी की जो 50 कंपनीज है, इनमें आपको ज्यादा मार्जिन फैसिलिटी मिलती है, यानी कम पैसों में आप इन कंपनीज के ज्यादा शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, और जिन कंपनीज में रिस्क जितना ज्यादा होता है उसमें आपको उतना ही कम मार्जिन मिलता है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को लेकर सभी ब्रोकर्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। अक्सर ब्रोकर्स आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देते हैं, यानी अगर आप स्टॉक को सेम डे बाय करके सेम डे सेल करते हैं तो आपको उनकी तरफ से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिलती है। लेकिन एंजल वन आपको इंट्राडे के साथ साथ ही डिलीवरी के लिए भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी देता है, यानी आप मार्जिन पर स्टॉक को बाय करके उनको होल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपको कितना मार्जिन मिलेगा ये भी सभी ब्रोकर्स में अलग अलग होता है। एंजल वन में आपको 4 से 5 गुना तक का मार्जिन मिलता है, यानी आपके पास जितने पैसे हैं उन पैसों से आप 4 से 5 गुना तक शेयर्स बाय कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट की, तो एंजल वन में आपको 0.049% पर डे इंटरेस्ट पे करना होता है। जिस स्टॉक को आप मार्जिन पर बाय करते हैं उसको आपको प्लेज करना होता है। अगर आप उसको प्लेज नहीं करते हैं तो 7 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर किसी भी स्टॉक को कैसे बाय किया जाता है। तो पहले आप स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे जिसको आप बाय करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स बाय करने हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है। इस पर क्लिक करेंगे, इसमें आप बाय पर क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटीज आपको बाय करनी है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि अगर मुझे 10 स्टॉक्स बाय करने हैं तो यहाँ पर मैं 10 डाल दूंगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 स्टॉक्स बाय करने के लिए हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि अभी 10 स्टॉक्स बाय करने के लिए हमारे पास 23,000 रुपीज का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको मार्जिन पर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि अब आपके पास कितना बैलेंस होना चाहिए। तो अब 23,000 रुपीज की जगह हमारे पास 4,868 रुपीज होना चाहिए। मेरे पास अभी 971 रुपीज का बैलेंस है, तो पहले मैं बैलेंस ऐड कर लेता हूँ। बैलेंस ऐड करने के लिए अकाउंट पर क्लिक करेंगे, इसमें आप ऐड फंड्स पर क्लिक करेंगे, कितना बैलेंस आपको ऐड करना है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे 25,000 रुपीज ऐड करने हैं, तो यहाँ पर मैं 25,000 डाल दूंगा। बैलेंस आप किसी भी UPI एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मुझे नेट बैंकिंग से ऐड करना है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। नेट बैंकिंग पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर फंड ऐड करेंगे, बैलेंस ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 25,000 रुपीज ऐड हो चुके हैं। अब इन 25,000 रुपए से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके हम 1,25,000 रुपए तक के शेयर्स बाय कर सकते हैं। तो हम जाएंगे अपनी वॉच लिस्ट में और जिस स्टॉक को बाय करना है उस पर क्लिक करेंगे, नीचे बाय पर क्लिक करेंगे। इसमें आप पहले सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको डिलीवरी लेनी है या फिर आप इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं। अगर आप इंट्राडे सिलेक्ट करेंगे तो आपको स्टॉक को सेम डे बाय करके सेम डे ही सेल करना होगा।
इंट्राडे में अगर आप खुद से सेल नहीं करते हैं तो 3:15 तक ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। और डिलीवरी मोड में आप स्टॉक को जब तक चाहे होल्ड कर सकते हैं और आप जब चाहे उसको सेल कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे होल्ड करने के लिए स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पर मैं डिलीवरी सिलेक्ट कर लूंगा, नीचे क्वांटिटी डालेंगे कितने स्टॉक्स आपको बाय करने हैं, जैसे कि मुझे 50 स्टॉक्स बाय करने हैं। अगर आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बिना बाय करना चाहते हैं तो आपके पास 1,16,000 का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के साथ बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अब आप देखिए आपके पास सिर्फ 24,000 का बैलेंस होना चाहिए, बाकी पैसे एंजल वन की तरफ से पे किए जाएंगे। जितना बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है इतना बैलेंस आपके पास पहले से होना चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से ऐड किया हुआ है। लिमिट और मार्केट में आप सिलेक्ट कर लेंगे, आप लिमिट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं या फिर आप मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं मार्केट सिलेक्ट कर लूंगा, यानी मार्केट में इस स्टॉक का जो भी प्राइस चल रहा होगा उसी पर मुझे बाय करना है। इसके बाद आप बाय पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको कितने चार्जेस पे करने होंगे आप चार्जेस पर क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि हम डिलीवरी ले रहे हैं यानी होल्ड करने के लिए स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो एंजल वन की तरफ से कोई ब्रोकरेज इस पर चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी 138 गवर्नमेंट चार्जेस हैं जो आपको पे करने होंगे। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इन स्टॉक्स को क्योंकि हमने मार्जिन पर बाय किया है तो इन्हें प्लेज करना होगा। 7 तक आप बिना प्लेज किए स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको 7 से ज्यादा स्टॉक को होल्ड करना है तो आपको प्लेज करना होगा। प्लेज करने का प्रोसेस काफी सिंपल है, आपके पास एक SMS आ जाएगा CDSL की तरफ से। उस SMS में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना पैन कार्ड एंटर करेंगे, आपके सामने स्टॉक्स आ जाएंगे। जिन स्टॉक्स को आपने मार्जिन पर बाय किया है उनको आप सिलेक्ट करेंगे, आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा, OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका प्लेज सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 7 तक ही स्टॉक को होल्ड करना है तो आपको प्लेज करने की जरूरत नहीं है। अब आप ऑर्डर्स में देख सकते हैं मार्जिन पर हमने जो 50 स्टॉक्स बाय किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं मार्जिन लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि इन स्टॉक्स को हमने मार्जिन पर बाय किया है। अब आप यहीं पर अपना प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, जैसे कि हमें 30 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपको सेम डे सेल करना है तो आप यहीं से क्लिक करके एग्जिट पर क्लिक करके इनको सेल कर सकते हैं, और अगर आप आज सेल नहीं करते हैं तो अगले दिन से ये आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा, यहाँ से आप जब चाहे इनको सेल कर सकते हैं। अगर बात करें इंटरेस्ट की कि हमने जो मार्जिन फैसिलिटी ली है तो इस पर इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा, तो इंटरेस्ट जिस दिन आपने स्टॉक्स को बाय किया है उसके अगले दिन से चार्ज होगा। जैसे कि हमने रिलायंस के 50 स्टॉक्स आज बाय किए हैं मार्जिन पर, तो कल से इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एंजल वन में आपको 0.049% पर डे इंटरेस्ट पे करना होता है, तो आपको अपने वॉलेट में थोड़ा बैलेंस ऐड करके रख लेना है। इन स्टॉक्स को हमने मार्जिन फैसिलिटी पर बाय किया है तो 2 में ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। पहली सिचुएशन, अगर आपने इनको प्लेज नहीं किया तो 7 के बाद ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो अगर आपको 7 से ज्यादा इन स्टॉक्स को होल्ड करना है तो आपको प्लेज करना होगा। और दूसरी सिचुएशन जिसमें आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे वो है शॉर्ट फॉल, यानी जिस स्टॉक को आपने बाय किया है अगर वो 2-3% नीचे चला जाता है तो आपको उतना ही बैलेंस ऐड करना होगा अपने एंजल वन वॉलेट में। अगर आप उतना बैलेंस अपने एंजल वन वॉलेट में ऐड नहीं करते हैं तो 4 के बाद आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे। इसके बाद वॉलेट में आप देख सकते हैं मेरे पास 1,614 का बैलेंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर 24,000 में हमने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके 1,16,000 से भी ज्यादा के शेयर्स को बाय कर लिया है। अब इन स्टॉक्स में हमें जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो हमारा अपना है, ब्रोकर ने हमें जो बैलेंस उधार दिया है उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। जो स्टॉक्स आपने बाय किए हैं इसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये आपका अपना होगा, इससे ब्रोकर का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके किसी भी स्टॉक को आपको तभी बाय करना चाहिए जब आपको श्योरिटी हो कि उसमें आपको लॉस के कम से कम चांसेस हैं। जब आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पर किसी स्टॉक को बाय करें तो आपको कम से कम 2 छोड़कर 3rd के बाद ही उसको सेल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज या कल में इसको सेल करेंगे तो सेबी के कुछ रूल्स हैं, यानी आपको कुछ फंड ऐड करना होगा। लेकिन अगर 2 छोड़कर 3rd के बाद आप कभी भी सेल करेंगे तब आपको कोई भी फंड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको स्टॉक सेल करना हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में आएंगे, इस पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आप सेल पर क्लिक करेंगे, कितनी क्वांटिटीज आपको सेल करनी है वो क्वांटिटीज आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसमें भी आपको मार्जिन का ऑप्शन मिलता है, इसको आप अनचेक कर देंगे। इसके बाद सेल पर क्लिक करेंगे तो आपके स्टॉक सेल हो जाएंगे, आपका जो भी बैलेंस है प्रॉफिट या लॉस के साथ वो आपके वॉलेट में आ जाएगा और जो एंजल वन ने पे किया है वो एंजल वन के पास वापस चला जाएगा। स्टॉक सेल करने के बाद आपको कोई इंटरेस्ट इस पर पे नहीं करना होगा। सो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि मार्जिन
मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी MTF क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, कितना इंटरेस्ट आपको पे करना होता है, कब आपके स्टॉक्स ऑटोमेटिकली सेल हो सकते हैं, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।